प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड और सीएम योगी के माफिया नेटवर्क को मिट्टी में मिला देने के ऐलान के बाद पुलिस लगातार माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क पर कहर बनकर टूट रही है। बांदा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने उमेश हत्याकांड में मारे गए बदमाश अरबाज के फूफा और अतीक गैंग के बेहद शातिर गुर्गे वहीद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश वहीद के पैर में गोली लगी है और घायल हालात में गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल बांदा में माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गे से ये मुठभेड़ मटौंद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ के पास हुई है। 16 मार्च की दोपहर तकरीबन 3 बजे अतीक गैंग को धराशाही करने के ऑपरेशन में जुटी बांदा पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना मिली कि 50,000 का इनामी बदमाश वहीद अहमद भूरागढ़ के पास मौजूद है। खबर पर फौरन एक्शन लेते हुए बांदा एसपी अभिनंदन और उनकी स्पेशल टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जिस पर वहीद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर खोला, जिसमें वजीद के पैर में गोली लग गई और उसे घायल स्थिति में पुलिस टीम दबोचने में कामयाब हुई। जख्मी बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार वहीद उमेश हत्याकांड के बाद मारे गए बदमाश अरबाज का सगा फूफा है और नगर कोतवाली क्षेत्र के मर्दन नाका का निवासी है। वहीद अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और कई वारदातों में इसकी संलिप्तता रही है, जिस पर इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए एसपी अभिनंदन का कहना है कि बांदा पुलिस माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ जनपद में लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिसके कारण ये कामयाबी हाथ लगी है। एसपी के मुताबिक वहीद कुख्यात अपराधी है और अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य उमेश हत्याकांड के बाद मारे गए बदमाश अरबाज का ये फूफा है और उसके साथ मिलकर कई वारदातों में शामिल रहा है। इससे जुड़े सभी लोगों की तलाश की जा रही है, जिसमें एक ठेकेदार रफी कुसमद को जेल भेजा जा चुका है और बाकी बदमाशों को भी बहुत जल्दी उनको उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, आज एक व्यक्ति जिसका नाम वहीद अहमद है, जो जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, उसको हम लोगों ने दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसे ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये व्यक्ति बहुत ही कुख्यात अपराधी है। ये जो माफिया डॉन अतीक अहमद, इसका सहयोगी रहा है। इसके अलावा जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, उसमें अरबाज नाम का मुलजिम, जिसको कि दौरान पुलिस मुठभेड़ जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके ये रिश्तेदार है, उसका फूफा लगता है ये। इसके अलावा जो अतीक अहमद की गैंग का एक शूटर है गुड्डू मुस्लिम, वो जब यहाँ जनपद बांदा जेल में निरुद्ध था, तो उसके लगातार ये सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उससे लगातार ये मिलाई करता था और लोगों को भी उससे मिलवाता था तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ जो है उसको मुहैया कराता था। तो ये चीज़ें हम लोगों की टीम ने डेवलप की थी और उसके बाद से ही हम लोग इस पर लगे हुए थे। हाल ही में इसके ऊपर एक व्यापारी द्वारा एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिखवाया गया था। ये उस व्यक्ति से पैसे मांग रहा था और पैसा नहीं देने के कंडीशन में उसे जान से मारने की इसने धमकी दी थी। उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी मुकदमे में ये व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था और उसी क्रम में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। और आज एक सफलता बांदा पुलिस को मिली है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है।